हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू का हलवा। दोस्तों, इस हलवे को ज़्यादातर हम व्रत में बनाकर खाते हैं और ऐसे भी बनाकर आप खा सकते हैं। यह हलवा एकदम सॉफ्ट और टेस्टी होता है और मुंह में जाते घुल भी जाता है। और हाँ दोस्तों, जो चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू का हलवा। सबसे पहले मैंने आलू को ऐसे उबाल लिया था। मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया है, इसको हम छील लेंगे। आलू की क्वांटिटी लगभग 500 ग्राम तक थी। इसका छिलका हम ऐसे हटा देंगे सभी आलूओं का। छिलका हमने हटा लिया है तो एक प्लेट लेंगे और एक कद्दूकस लेंगे, ऐसे वाला। आप चाहें तो हाथ से भी अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। और हम इस सभी आलूओं को ऐसे ग्रेट कर लेंगे इस ग्रेटर से। चलिए हम ऐसे सभी फटाफट ग्रेट कर लेते हैं। अब हमने सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है, एकदम अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। तो अब हम कढ़ाई को गर्म होने रख देंगे और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून घी डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है तो घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने काजू और बादाम कट करके डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो। इसको हम हल्का धीमी आंच पे ही भून लेंगे। इसको हल्का भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये भून गया है, इसको हम निकाल लेंगे और उसी घी में हम जो कद्दूकस करके रखे थे आलू, उसको डाल देंगे और ऐसे मिक्स करके हम इसको भूनते रहेंगे। घी में लगातार हम चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। इसको हम चला चला कर ही ऐसे भूनेंगे। आलू को हम ऐसे ही चला चला कर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये घी ना छोड़ने लगे और तब तक अच्छे से पक भी जाएंगे। अब देखें, ये हल्का घी छोड़ दिया है तो इसमें हमने 2 कुटी हुई इलायची डाली है, छोटी वाली। अब इसको हम चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी महक बहुत अच्छी आती है, इससे हलवे का टेस्ट और बढ़ जाता है। इसको हमने मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। इसको हम ऐसे लगातार चलाते रहेंगे और दूध बहुत जल्दी सूख जाता है। देखें, हल्का सूख गया है दूध। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने 1 कप चीनी भी डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो। और इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। इसकी थिकनेस थोड़ा पतली हो जाती है चीनी डालने से, और थोड़े चलाने से फिर ये सूख भी जाते हैं। जब चीनी पक जाती है तो और हल्का घी भी छोड़ने लगेगा। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको हम चला करके मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 मिनट तक हल्के आंच पर ही पकाएंगे। अब ये देखें, बन करके तैयार हो गया है। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इसमें दूध डालें, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। दूध डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, इसलिए हमने दूध डाला है। हलवा हमारा बिल्कुल
बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, आप इसे किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।